देखिए 26 तारीख की तैयारी हमारी पूर्णतया तैयार होने लग रही है। कल से हमारे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर हर स्टेट से, आसपास की जो स्टेट हैं उनसे आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा के कम से कम 2500-3000 ट्रैक्टर इस क्षेत्र यहां पहुंचेंगे। और अगर आप टोटल देखेंगे सभी बॉर्डरों के ऊपर तो हरियाणा के कम से कम 40000 ट्रैक्टर हरियाणा सारे बॉर्डर सभी बॉर्डरों पर पहुँचेंगे। अभी ऐसा है कि गांव-गांव में इस 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की तैयारी हो रही है। कल ही आपने देखा होगा कि 700-800 ट्रैक्टर सीकर में पूरा मार्च किया है, 12 गांवों से होते हुए सीकर शहर में आकर के जिला कलेक्टर को दिया है। वैसे ही मांडेता 15-20 गांवों में 200 से ज़्यादा ट्रैक्टरों ने मार्च किया। इसी तरह से नागौर के डीडवाणा तहसील में 500 ट्रैक्टरों ने मार्च किया है और हर कलेक्टर को SDM को ज्ञापन दिया है, अगर सरकार 26 तारीख से पहले किसानों की मांगों को नहीं मानेगी तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर परेड होगा। वो अभी पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आके किसान नेताओं से, मोर्चे के संयुक्त मोर्चे के नेताओं से वार्ता भी की है। हम लोगों ने ये तय किया है, महाराष्ट्र के 1000 ट्राइबल और किसान मिला के महिला किसान यहाँ पर आई हुई है। हमने हमारी तैयारी की हुई है कि जिस तरह का ट्राइबल का कल्चर है और महाराष्ट्र की किसानी का कल्चर है उसकी झांकियाँ तैयार करेंगे। हमारे यहाँ हम लोग ट्रैक्टर भी बोल रहे हैं राजस्थान के साथियों को, हरियाणा के साथियों, क्योंकि हम तो ट्रेन से आए हैं तो आप ट्रैक्टर हमें दीजिए और उसको ये करते हुए हम लोग हमारी झांकियाँ बनाएंगे और उस झांकियाँ बना के हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हाँ, हम लोग ये आंदोलन तो चलता रहेगा। ये 26 जिस तरह का माहौल बनाया है देश में कि 26 इसका एंड है या आखिरी है, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो 2024 की तैयारी करके आए। 24 तारीख को हमारा दूसरा जो पार्ट है वो लोग आ जाएंगे इधर, तो अभी जो जितना भी इधर है उसमें से कुछ लोग रुक के बाकी वापस जाएंगे और 24 तारीख को जो नया टीम ज्वाइन करेंगे वो लोग मार्च में शामिल होंगे। कितने करीब लोग होंगे? सेकंड कंटिजमेंट आते हो 300 के करीब लोग आएंगे, कुल मिला के 400 लोग रहेगा ही रहेगा इधर। 20 की तैयारी के लिए जैसा आप देख रहे हैं कि ये ऐसा मोर्चा है जहां हर राज्य से किसान आ रहे हैं। एक तो वो एक तैयारी का पार्ट है, चाहे केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लगातार ये मोर्चा यहाँ है जहाँ विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी इसमें बढ़ रही है। और जहाँ तक राजस्थान और हरियाणा का सवाल है, हमने 26 तारीख की तैयारी के लिए विशेष रूप से राजस्थान के अंदर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया है जो हर दिन सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान साथी ट्रैक्टर लेकर प्रत्येक गाँव से निकल रहे हैं और अलग अलग ग्रुप बनाए हमने, वो जन चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं और वो कैंपेनिंग इतनी गजब की है कि शायद ही राजस्थान का ऐसा कोई गांव बचे जहां ऐसे आयोजन नहीं हो। हमें उम्मीद है कि जिस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर, चूंकि 11 तारीख को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे, हम यहां 13 तारीख को आए, लेकिन 13 के बाद लगातार कैंपेनिंग राजस्थान के अंदर हो रही है और आने वाली 26 तारीख को बहुत शानदार तरीके से भारी संख्या में महिला किसान जो ट्रैक्टर चलाना सीख रही है वो भी आएगी और हमारे किसान भी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन, शायद भारत की आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन है और सौभाग्य से कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, उस दिन एक तरफ हमारे सैनिक परेड करेंगे और दूसरी तरफ हमारे किसान परेड करेंगे। यहाँ महिलाओं की काफ़ी संख्या में है और हमारे राजस्थान से और खूब सारी महिलाएं आएंगी। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये मोदी नहीं मानेगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि महिलाएं किसान होती हैं, जबकि महिला भी किसान होती है। महिला भी किसान होती है, एक पुरुष ही किसान नहीं होता, महिला भी तो खेत में काम करती है। महिला ज़्यादा संभालती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और खेत भी संभालती है। कल आप लोग यहीं थे, कल महिला किसान दिवस? हाँ, हम महिला 5 दिन से यहीं पर है। तो कल क्या हुआ यहाँ पे? हमने बस वैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, हमने रैली भी निकाली, ट्रैक्टर रैली भी निकाली और हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, गाने किया, डांस किया। ऐसे अजीज जितने बॉर्डर के ऊपर धरना स्थल पर चल रहे हैं वहाँ बड़े जोश और उल्लास के साथ
महिला दिवस मनाएगा। सारी स्टेज महिलाओं ने संभाल रखी थी, भाषण हो सुनने हो, यहाँ पे महिलाएं इतनी संख्या में थी, हज़ारों की संख्या में महिलाएं थी। और हमारा हरियाणा के अंदर तो 15-20 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, हर 5-7 गांव हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ ज़बरदस्त महिलाएं और पुरुष तैयारी करें अपनी 26 जनवरी की। और हमारे हरियाणा के अंदर तो ये करते हैं कि जो पशुओं का चारा लेते हैं ना खेतों में से, वो महिलाएं ट्रैक्टर चला के लाती हैं, ट्रैक्टर चला के ले जाती हैं, चारा काटती हैं और फिर वो वापस ले जाते हैं। तो वो ट्रेनिंग सुविधा तो वैसे ही है। बाकी अब 26 जनवरी के परेड के लिए अनुशासित तरीके से करने के लिए एक इतना आकर्षण के केंद्र होंगी महिलाएं, सबसे आगे आगे महिलाएं होंगी। दरअसल 26 तारीख को यहाँ शाजापुर बॉर्डर में भी ग्रामीण इलाके में अभी जो ट्रैक्टरों की रैलियाँ निकल रही है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, वो ट्रैक्टर सारे के सारे यहाँ 21-22-23 तारीख तक निश्चित तौर पर यहाँ पहुँच जाएंगे। और 26 तारीख को भारी संख्या में यहाँ से भी जिस तरह से सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, गाजीपुर या दूसरी जगह से ट्रैक्टरों का जत्था आएगा, उसी तरह से हमारे यहाँ भी जत्थे तैयारियाँ चल रही है, भारी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे और बिल्कुल 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली परेड में यहाँ शाजापुर बॉर्डर से भी भाग लेंगे किसान। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ लेकिन आज छुट्टी पे आई हूँ इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। तो मेरे मन कर रहा था कितने दिन से कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लूँ और मतलब कि सबको सुनूँ, सबकी बात सुनूँ और सबसे कहूँ कि ये आंदोलन किस बात से शुरू हुआ है और किस बात पे ख़त्म होना चाहिए। तो हम अपने मतलब कि ज़िले की तरफ से, अपने मुलाजम भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ से मतलब कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और इसको कामयाब करने के लिए इधर आए हैं। कल ही आए थे हम, कल हाँ हाँ कुछ दिन इधर ही रहेंगे। हाँ फिर आएंगे छुट्टी, मतलब कि एक बाद जाएंगे फिर आएंगे छुट्टी के बाद। ऐसा है, पुरुषों से अगवा महिला है, खेती करने के अंदर महिला, घर का काम महिला संभालती हैं और खेती महिला करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को लेके मोर्चों के ऊपर डटी हुई है। और वो इतनी ज़बरदस्त आक्रोशित हैं कि वापस घर जाने गए तो जाएंगे नहीं। वो Thank you.